I would say that when we did get to the point where I realized that, listen, I like this person. Yeah. Zoya was one of the first people I told. Katrina Kaif jahan par apni love story Vicky Kaushal ke saath batati hui nazar aayi, wahin par bahut hi khoobsurat andaaz mein jab Karan Johar ke season 7 mein inhone reveal kiya apni tamam love story, jahan par Karan Johar ne inse pucha ki aakhir aapki mohabbat kaise shuru hui, kyunki yahi Kaushal jahan par baithkar aapne manifest kiya tha ki Vicky Kaushal ke saath main bahut pyari lagti hu, lekin Katrina Kaif ne ye kyun manifest kiya wo khud sun sakte hain. I also said because he's tall. Yeah. उनके कहने थे कि वो टॉल है, मैंने सिर्फ इस वजह से मैनिफेस्ट किया था, लेकिन इसके अलावा मेरी कोई इंटेंशन भी नहीं थी, ना ही मैं उनके साथ कोई डेट कर रही थी. लेकिन पहली दफा जहां हम मिले, ये सारे के सारे सीजन के बाद, क्योंकि बहुत सारी बातें होने लगी, लोग कहने लगे कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, हम एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, लेकिन एक्चुअली तो हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे. लेकिन फाइनली तौर पर जैसे ज़ोया अख्तर की बर्थडे पार्टी में एक दूसरे के साथ मिले, तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे. लेकिन विकी कौशल कभी भी मेरे रडार पर नहीं थे एज अ हस्बैंड मटेरियल, लेकिन जब इनसे मिली मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई और ये सारी चीजें मेरे लिए मीन करने लगी. आई मीन टू इट. और यहीं पर सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हुए कैटरीना कैफ ने विकी कौशल की बहुत सारी तारीफें की, बहुत सारी उनके बारे में बताया, बहुत सारे ऐसे राज जो कि इससे पहले कोई भी नहीं जानता था. लेकिन विकी कौशल और कैटरीना कैफ का ये जोड़ा अब कहीं पर भी जाता है, फैंस इनके दीवाने इसलिए भी होते हैं क्योंकि शादी से पहले इन्होंने कभी भी कोई ऐसी छिछोरी हरकत नहीं की, कोई स्टंट नहीं मारा, ना ही पब्लिक अपीयरेंस दी. इन्होंने सीधा डायरेक्ट एक पवित्र रिश्ता बनाया और फिर उसके बाद अब पूरे हक के साथ हाथों में हाथ लिए, जिस तरीके से दोनों निकलते हैं कहीं पर भी जाएं, एक दूसरे के हाथों में हाथ रखती हैं. फैंस का ये कहना है कि यही रिश्ता तो हमें हमेशा से चाहिए था बॉलीवुड अदाकारों में, जो कि हमें फाइनली तौर पर विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शक्ल में मिला है. व्यूअर्स, आपको इनकी बहुत ही खूबसूरत जोड़ा कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा.